गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल। आज जो है वो नया टॉपिक स्टार्ट होगा बुक का, दैट इज सेल्फ प्रैक्टिस 7E हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेल्फ प्रैक्टिस 7E, व्हाट वी हैव टू बी लर्न टुडे, वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट। न्यू कॉन्सेप्ट पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो हम पढ़ चुके हैं मैम, कितनी मुश्किल से समझ में आया। डोंट वरी, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन और प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर और यूनिट फ्रैक्शन, टोटल 5 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आपको पढ़ना है। दैट मीन्स टुडे यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कि कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप पढ़ चुके हैं, अब आपको 5 टाइप के और फ्रैक्शन पढ़ना है। बट द गुड न्यूज इज दैट कि ये फ्रैक्शन आप ऑलरेडी क्लास 3 में पढ़ चुके हैं, सो आपको सिर्फ एक क्विक रिविजन करना है, इजंट इट। चल देखते हैं, लेट्स सी। सो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके, और लास्ट यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है याद होगा, दैट इज जिसका न्यूमरेटर 1 होता है वो यूनिट फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, मतलब जिसके न्यूमरेटर में 1 नंबर लिखा हुआ है, ओनली 1, दैट इज 1, जस्ट 1, ऐसा 1 नहीं कि सिर्फ 9 लिखा हुआ है या 5 लिखा, ये नहीं, सिर्फ 1 लिखा है, ओनली 1, द डिजिट इज 1। ठीक है, so this is known as the unit fraction, that is 1 upon mein 15, 1 upon mein 100, these are the examples of the unit fraction. So now let's start with the first fraction, that is like and unlike fraction. Okay, like and unlike fraction ke saath aapko comparison, matlab in charo fractions ke saath hume comparison karna bhi seekhna hai. To aaj ki video mein main sirf like and unlike fraction cover kar rahi hu aur uska comparison kaise karte hain wo, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में बात करेंगे। सो जस्ट लेट्स स्टार्ट विद द लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन यू नो वेरी वेल कि जिसमें डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 अपॉन में 5, 2 अपॉन में 5, 9 अपॉन में 5, 8 अपॉन में 5, दीज आर ऑल द लाइक फ्रैक्शन। हाउ कैन वी से लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इन सब के डिनोमिनेटर क्या है, सिमिलर। यू नो व्हाट इज डिनोमिनेटर, 1, दैट इज न्यूमरेटर, एंड नीचे वाला जो फ्रैक्शन मार्क के नीचे जो नंबर होता है ये डिनोमिनेटर होता है। डी फॉर डाउन, डी फॉर डिनोमिनेटर, तो इसको याद करना तो हमारे लिए और भी ईजी हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। सो ये हो गया हमारा लाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, इसका जस्ट अपोजिट, दैट इज अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, दीज आर नोन एज दी अनलाइक फ्रैक्शन, जैसे 1 अपॉन में 9, 6 अपॉन में 5, 2 अपॉन में 8, 7 अपॉन में 6, दीज आर दी अनलाइक फ्रैक्शन। देखो इनके डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है, सो दीज आर दी अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में जिसके डिनोमिनेटर सेम है, दीज आर नोन एज द लाइक फ्रैक्शन, जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अनलाइक फ्रैक्शन। इट्स वेरी सिंपल। ओके ओके, नाउ लर्न अबाउट द कंपेयर। अब हम कंपेयर कैसे करेंगे, तो लाइक और लाइक फ्रैक्शन में कंपेयर करना बहुत ईजी हो जाता है। कैसे, देखो एक एग्जाम्पल, जैसे सपोज दिया हुआ है 2 अपॉन में 9 एंड 6 अपॉन में 9। सो अब इन दोनों में क्या है, डिनोमिनेटर तो क्या है, सेम है, तो आप इसको इजीली कंपेयर कर सकते हो कि विच नंबर इज बिगर एंड विच नंबर इज स्मॉलर। तो 6 अपॉन में 9 इज बिगर, ठीक है, एंड 2 अपॉन में 9 इज स्मॉलर। ये इजीली हमने कंपेयर कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको कोई असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए दिया जाए तो आप इजीली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर को ध्यान नहीं देना है, सिर्फ न्यूमिनेटर को कंपेयर करना है। ठीक है, जैसे चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 3 अपॉन में 8, 5 अपॉन में 8, 2 अपॉन में 8, 9 अपॉन में 8। नाउ वी हैव टू अरेंज दीज नंबर इनटू असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है मीन्स हमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर चाहिए, वी वांट अ वेरी स्मॉलर नंबर। ओके फाइन, तो आफ्टर गेटिंग द स्मॉलर नंबर व्हाट विल वी डू, चलिए सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर देखते हैं, इसमें सबके डिनोमिनेटर सेम है, ओके नो इशू, लेव इट। अब हम किस पे जंप करेंगे, न्यूमरेटर पर जंप करेंगे। तो न्यूमरेटर में देखो 3 है, 5 है, 2 है,
सो टू इज अ वेरी स्मॉलर. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टू अपॉन में एट. नाउ टू अपॉन में एट हो गया. अब इसके बाद कौन सा, टू अपॉन एट से बिगर वाला नंबर चाहिए. सो वेयर वी गोइंग, वी गोइंग टू द थ्री अपॉन में एट. ओके नाउ दैट इज कॉमा थ्री अपॉन में एट. ओके डन. नाउ थ्री से बिगर नंबर ऑब्वियसली फाइव अपॉन में एट. नाउ उसके बाद नाइन अपॉन में एट. असेंडिंग ऑर्डर दैट मीन्स छोटे से बड़ा, मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ बढ़ना, और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा. सो दिस इज अ वेरी स्मॉल ट्रिक दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दैट. तो जब लाइक फ्रैक्शंस दिए हुए हैं ना, जैसे जिसके डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम दिए हुए, तो आप उसको इजीली कंपेयर कर सकते हो स्मॉलर बिगर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में. बट व्हाट हैपेंड व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. जब यही डिनोमिनेटर डिफरेंट है और न्यूमरेटर क्या है, सेम है, तो तब आप क्या करोगे, कैसे कंपेयर करोगे, हाउ विल यू गोना कंपेयर. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. वी आर गोइंग टू टेक अ वन एग्जांपल ओवर हियर. लेट्स सपोज मेरे पास एग्जांपल है, दैट इज थ्री अपॉन में एट, थ्री अपॉन में फाइव, ओके एंड थ्री अपॉन में इलेवन. व्हाट इज द सिमिलैरिटी इन ऑल द थ्री फ्रैक्शंस, क्या सिमिलैरिटी, तीनों के न्यूमरेटर क्या है, सिमिलर है, बट डिनोमिनेटर के बारे में क्या, डिनोमिनेटर्स आर वेरी डिफरेंट. नाउ अब इसे कंपेयर कैसे करें, ये क्वेश्चन है. सो इट्स वेरी इजी. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. पिज्ज़ा खाएं, बहुत दिन हो गए ना पिज्ज़ा नहीं खाया, फ्रैक्शन ना पड़े, पिज्ज़ा केक ये ना खाए, ऐसे तो काम हो ही नहीं सकता. चलिए आज केक ले लेते हैं. ओके आई एम हैविंग थ्री केक्स हो गई है, तीनों सेम साइज़ के हैं. प्लीज़ सर्कल्स के साइज पर मत जाना, पर तीनों सेम साइज़ के हैं. ओके हियर आर थ्री केक्स. चलिए ठीक है. अब इस फर्स्ट वाले केक में मैं तीन पोर्शन कर रही हूँ, थ्री पोर्शन. ओके नाउ इधर हम चार पोर्शन कर रहे हैं. ओके एंड इधर मैं कर रही हूँ एट पोर्शन. ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. चलिए अब एग्जांपल लेते हैं. आई एम टू फूडी. टू फूडी मतलब मुझे खाने पीने का बहुत शौक है. अब तीन केक हैं, दैट इज चॉकलेट केक, ब्लूबेरी केक एंड दैट इज ब्लैक फॉरेस्ट. दीज आर ऑल माई फेवरेट केक. ओके चलिए पहले चॉकलेट केक में से मैंने एक हिस्सा खाया, तो पहले उसका फ्रैक्शन लिख लेते हैं, जितने नंबर ऑफ पीस मैंने खाए. तो वन अपॉन में थ्री, एक पीस खाया ठीक है. ना इसमें से भी मैंने एक पीस खाया, सो दैट इज वन अपॉन में फोर. यहाँ से भी मैंने एक पीस खाया, दैट इज वन अपॉन में एट. ठीक है तीनों केक सिमिलर साइज के हैं. ओके है ना. अब मुझे पता करना है कि मैंने सबसे ज़्यादा केक किस में से खाया, मतलब मुझे कहाँ सबसे ज़्यादा खाने के लिए मिला. ऑब्वियसली देखते हैं इसको कैसे कंपेयर करते हैं. ये एक केक था, इस एक केक के हमने तीन पार्ट करे. ये एक केक था, इस एक केक के हमने चार पार्ट करे. और ये एक केक था, इस एक केक के हमने आठ पार्ट करे. तो अब हमें मुझे पता करना है कि इन तीनों में से बिगर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है. सो हम कैसे करेंगे, देखो इन तीनों के डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है ठीक है. चलो आगे देखते हैं. अब इसका साइज देख रहे हैं आप, यहाँ पे इसका साइज कैसा है, दैट इज वेरी बिगर. क्योंकि एक बड़ा केक था, उस एक बड़े केक में से हमने तीन पोर्शन कर, दैट मीन्स मुझे ये समझ में आया कि इस एक केक में से सिर्फ तीन लोगों ने खाया. द वन पोर्शन आई गॉट इट ठीक है, द बिगर पोर्शन आई गॉट इट, मतलब मुझे यहाँ पे ज्यादा खाने के लिए मिला ठीक है. फिर दूसरे केक पर आते हैं, तो यहाँ पे एक केक में से चार पोर्शन हुए, मतलब मेरे को थोड़ा कम खाने के लिए मिला. और यहाँ पर सेम साइज का केक था, बट इस केक में से एक केक में से एट स्लाइसेस हो गई, मतलब आठ लोगों ने पार्टिसिपेट करा, तो मुझे तो यहाँ और कम खाने के लिए मिला ठीक है. सो आई अंडरस्टूड दिस कि जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा है वो नंबर उतना ही छोटा है ठीक है. सो इसका डिनोमिनेटर कितना है, एट है ठीक है. इसका डिनोमिनेटर कितना है, फोर है, मतलब एट और फोर में स्मॉलर कौन सा होगा, ऑब्वियसली एट होगा ठीक है. अब वन अपॉन फोर और वन अपॉन में थ्री में से कौन सा स्मॉलर होगा, ऑब्वियसली वन अपॉन में फोर स्मॉलर होगा ठीक है. अब अगर मुझे इससे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, तो हाउ विल आई गोइंग टू अरेंज दिस नंबर इनटू असेंडिंग ऑर्डर, कैसे अरेंज करेंगे. असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो पहले मुझे सबसे छोटा नंबर चाहिए. अगेन आई एम टेलिंग यू कि जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा है ठीक है, वो उतना ही छोटा है
किस केस में, उस केस में जब डिनोमिनेटर्स क्या है डिफरेंट है और न्यूमिरेटर क्या है सिमिलर है। ये कंसेप्ट ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर न्यूमिरेटर आपको सिमिलर दिया है और डिनोमिनेटर्स आपको डिफरेंट दिए हुए हैं, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो नंबर उतना छोटा, ठीक है। सो दैट इज 1/8 सबसे पहले आएगा, एंड देन उसके बाद 1/4, एंड देन 1/3। दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, दैट इज 1/3, 1/4 एंड 1/8, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपैरिजन ऑफ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, जिसमें अगर पर ध्यान रहे इस टाइप के जब आप कंपैरिजन करते हैं, सो यू हैव टू कीप दिस सेंस इन माइंड कि ऊपर का न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ योर बुक सेल्फ प्रैक्टिस 7E। ओके, सेल्फ प्रैक्टिस 7E में आपको क्वेश्चन नंबर H से देखते हैं, H से आपको डिफरेंट दिया हुआ है। हालांकि A वाला जो है वो तो बहुत सिमिलर है। A वाला क्या कह रहा है, मैं A से करना बता देती हूँ, स्पीडली हम इसको कवर अप कर लेते हैं। 3 से 4 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू डू बाय योर ओन सेल्फ, एंड यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 1 इन योर बुक ओनली, एंड क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप CW कॉपी में लिखेंगे। बट बिफोर दिस यू हैव टू राइट व्हाट आई हैव सेंड यू, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के मैं कुछ पेजेस भेजूंगी, देन आप उसको लिखेंगे, ठीक है। अगर सपोज मैं आज नहीं भेज पाती इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के कुछ पेजेस, तो आप नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए इधर देखिए, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स दिया, क्वेश्चन नंबर सेल्फ प्रैक्टिस 7E। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 2/7 एंड 3/7, सो विच वन इज बिगर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि दोनों डिनोमिनेटर को हमें ऑब्जर्व करना है। आफ्टर ऑब्जर्विंग बोथ ऑफ द डिनोमिनेटर आई हैव सीन कि डिनोमिनेटर क्या है, सिमिलर है। सो आई जंप टू द न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर में क्या है, पे 2 है और यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 और 3 है, तो जो नंबर बिगर है वही बिगर रहेगा। जैसे अगर 3 बड़ा है तो 3/7 में ही करोगे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे इसके मैंने टोटल 7 पार्ट कर दिए, ठीक है, और इसके यहाँ पे मैंने 7 पार्ट कर दिए। ओके फाइन, नाउ अब यहाँ पर मैंने कितने पीसेस खाए, यहाँ पे मैंने 2 पीसेस खाए, और यहाँ पे मैंने कितने पीसेस खाए, यहाँ पे मैंने 3 पीसेस खाए, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, दैट इज 3/7, ठीक है। चलिए लेट्स हम एच वाला एग्जाम्पल लेते हैं। एच वाले एग्जाम्पल में 17/19 दिया है, एंड नेक्स्ट ईयर इज 17/18, ठीक है। ऑब्जर्व करते हैं, सबसे पहला काम जब भी क्वेश्चन आता है यू हैव टू ऑब्जर्व इट, आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। आफ्टर ऑब्जर्विंग बट आई हैव ऑब्जर्व कि दोनों न्यूमरेटर क्या है, सिमिलर है, बोथ आर द न्यूमरेटर्स आर सिमिलर, कैसे करेंगे, बट इसके डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। चलिए डिनोमिनेटर की तरफ ध्यान देते हैं, वापस वही बेसिक फंडा कि जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा है वो उतना ही छोटा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 19 बिगर है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, स्मॉलर, और 18 क्या है, दैट इज बिगर, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कैसे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि हियर आई एम हैविंग अ केक, मेरे पास एक केक है, ठीक है। वापस से मैं कंसेप्ट रिवाइज कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने इसके 4 पीस करे, यहाँ पर मैंने इसके 3 पीस करे, ठीक है। अगर मुझे इसमें से खाने के लिए मिलता है तो मुझे स्मॉलर फ्रैक्शन मिल रहा है, और यहाँ अगर मुझे कुछ खाने के लिए मिलता है तो मुझे बिगर फ्रैक्शन मिलता है। यहाँ पे 1 के 4 पीस हो रहे हैं और यहाँ पे 1 के 3 पीसेस हो रहे हैं, गॉट इट। तो नंबर ऑफ पीसेस पे ध्यान देना है यहाँ पे, तो जितना बड़ा है वो उतना ही छोटा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, पर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ईजिली क्या हो जाएगा, कवर्ड अप हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कवर करेंगे, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर के बारे में बात करेंगे। टिल देन गुड बाय।